आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद के रिक्शा स्टैंड कलेक्ट्रेट कचहरी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में ओबीसी का आरक्षण बहाल करने के संबंध में धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों से हुई बातचीत में दुर्विजय यादव ने कहा कि के कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के मामले में 11 मई 2010 हुआ, विकास किशन लाल गौली बनाम भारत सरकार के मामले में 4 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू न करने के कारण 27 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बगैर ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जिसे अमल न करके ओबीसी के विरोध का काम किया है, इसलिए ओबीसी का आरक्षण निकाय चुनाव में बहाल किया जाए। साथ ही लाल बहादुर त्यागी ने कहा कि ओबीसी को संख्या के अनुपात में भाजपा सरकार पर्याप्त हिस्सा नहीं दे रही है और हर क्षेत्र में धोखा दे रही है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। वहीं निर्मल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार मनुवादियों की सरकार है जो ईवीएम में फ्रॉड करके चुनाव जीती है, इसलिए आम जनता के विरोध में कानून बनाकर लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण लागू न करने के कारण नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के विरोध में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और बंदी का कार्य किया गया। इस मौके पर रामधन चौहान, मुकेश जितेंद्र, मनोज कुमार, श्याम नैन यादव, राजू यादव, गोविंद कुमार अच्छेलाल चौहान, रामफेर चौहान, सुबेदार उषा, रीना लीला, राधिका उर्मिला यादव आदि लोग काफी संख्या में उपस्थित रहे। हमारा नाम है, किस मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं? नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाही होती तो ट्रिपल टेस्ट करवा करके ओबीसी आरक्षण को बाहर डिक्लेयर करती तो शायद हाई कोर्ट इलाहाबाद का कोई फैसला नहीं आता। इसलिए हम मांग करते हैं ट्रिपल टेस्ट करवा करके तब ओबीसी का जो है आरक्षण बहाल किया जाए। नगर निकाय चुनाव ट्रांसजेंडर को लेकर क्या कहना है आपका? एक ट्रांसजेंडरों को जो 27 दिसंबर का फैसला है उनको ओबीसी में शामिल कर दिया गया। ऐसे ही ओबीसी अपनी जनगणना को लेकर मांग कर रहा है, अपने आरक्षण को लेकर मांग कर रहा है, तो उसके कोटे में जो है किसी और को घुसा दिया जाए तो दोनों के साथ अन्याय हो गया। ट्रांसजेंडरों को अलग व्यवस्था देनी चाहिए, ओबीसी की जो व्यवस्था है उसको अलग देना चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो क्या आश्वासन मिला? अरे ज्ञापन देने पे आश्वासन कहाँ मिलता है, तो वह तो अपना काम करेंगे, भेजेंगे राज्यपाल महोदय। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे रणनीति क्या होगी? हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो ऊपर बैठे हुए हमारे लीडर लोग हैं चौधरी विकास पटेल, वह जैसा आदेश करेंगे उसके अनुसार हम लोग आगे कार्यवाही करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।